20 अक्टूबर को हरिद्वार के माया देवी मंदिर से शुरू हुई पवित्र छड़ी यात्रा चारों धामों और विभिन्न मंदिर मठों से होते हुए बेरीनाग और गंगोली हाट और पाताल भुवनेश्वर में पहुंची, जहां छड़ी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं स्पीच महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने कहा कि पहाड़ की संस्कृति को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना ही छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारे पहाड़ के प्रत्येक गांव, कस्बों और मंदिरों में धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। बेरीनाग से संवाददाता प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। उसी को लोग मानना चाहिए, तब तो भारत में रहना उचित है, अन्यथा उस समय यहाँ बौद्ध लोग बहुत आ गए थे, उनको भगवान शंकराचार्य ने परास्त करके कई लंका, तिब्बत, मलाया भेजो। भारत में केवल मात्र सनातन धर्म का ही शंकराचार्य जी ने प्रचार प्रसार किया था और 32 की साल की अवस्था में केदारनाथ में विलीन हो गए। तो इस छड़ी के माध्यम से यही हमारा है, उत्तराखंड खुशहाल हो, उत्तराखंड की जनता जो है सुख समृद्धि को प्राप्त हो, और हम लोग जिस देवी देवता के पास जाते हैं केवल यही याचना करते हैं कि हमारा उत्तराखंड सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, कश्चित माम दुख भाग भगे। सबका दुख हो, दूर हो, सभी निरोगी हों, खुशहाल हो उत्तराखंड, धर्म का देव भूमि जो कही जाती है, देव भूमि जैसा यहाँ आचार विचार रहन सहन होना चाहिए। गठन जूना अखाड़ा, एक जूना अखाड़ा का प्रतिनिधि एक महामंडलेश्वर के रूप में मुझे बनाया गया, तो मैं सबसे पहले अपने जूना अखाड़े के सभी संतों को ओम नमो नारायण करता हूं, और साथ ही आप सबके चैनलों को जिसके माध्यम से आप छड़ी यात्रा का संदेश पूरे भारत में देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सबको साधुवाद। छड़ी का उद्देश्य कई वर्षों से हम लोग यहां पर चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में विकास हो। विकास का एक ही साधन है कि यहाँ पर्यटन, पर्यटक कैसे आएगा उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भारत के अंतिम जनपद पिथौरागढ़ के अंतिम गांव कूटी गांव तक इस छड़ी को लेकर के मानसरोवर कैलाश यात्रा को और सुगम बनाने का हमारा विचार है, और साथ ही हमारे गुरु महाराज लोगों की कृपा से ये बहुत जल्दी होने जा रहा है, और पांचवें धाम के रूप में हम कैलाश पर्वत को, ओम पर्वत को देखना चाहते हैं। इसी संदेश, इसी छड़ी का संदेश लेकर के आपके बीच में आए।